ओके स्टूडेंट्स, तो हम आज बात करेंगे एलसी ऑसिलेशन। तो एलसी ऑसिलेशन क्या है? इसमें जो दो ही कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा कैपेसिटेंस और दूसरा होगा इंडक्टेंस, ठीक है ना। इसमें जो कैपेसिटर है वो उसको हम एक डिफरेंट पोटेंशियल से चार्ज कर देंगे, ठीक है, वी नॉट, उसको बैटरी से कनेक्ट करके, ठीक है, और उसको फिर डिस्चार्ज करने के लिए इंडक्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज करेंगे उसको, ठीक है। तो ये जो सर्किट आपको दिख रही है, ये वाली जो सर्किट दिख रही है, इस पे हम क्या कर रहे हैं, इसको कैपेसिटर को हमने चार्ज किया है, फिर ये इसके थ्रू ये डिस्चार्ज हो रहा है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। अब इसमें किरचॉफ लॉ लगा देंगे इस पूरे रूल के हिसाब से, तो वी सी प्लस वी एल इज इक्वल टू ज़ीरो। तो वी सी क्या होगा, क्यू बाई सी होगा, माइनस वी एल को एल डी आई ओवर डी टी हम लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, आई को हम लिख सकते हैं क्यू, यानी डी क्यू ओवर डी टी। तो यहाँ पर देखें, एक फार्मूला ये बना, क्यू बाई सी माइनस एल माइनस डी क्यू ओवर डी टी टू, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक इक्वेशन बनके ये इक्वेशन बना है, ठीक, और इस इक्वेशन को, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला इक्वेशन, इस इक्वेशन से हम इसको इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पर देखें, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू वन ओवर एल सी, तो ओमेगा इज इक्वल टू वन ओवर टू वन ओवर ओमेगा इज इक्वल टू क्या जाएगा, वन ओवर एल सी, अंडर रूट एल सी आ जाएगा, तो एफ इज इक्वल टू वन ओवर टू पाई एल सी आ जाएगा, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, टू पाई एफ होता है, ठीक है ना, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया सबको, ठीक। और अगर मैं बात करूँ कि ग्राफ की, तो ये एनर्जी ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ पर देख रहे हैं आप, एनर्जी टाइम ग्राफ जो है कुछ आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं एनालॉगस टू द ऑसिलेशंस ऑफ द बॉडी सस्पेंडेड थ्रू द स्प्रिंग। तो एलसी ऑसिलेशन और इन दोनों में, तो एलसी सर्किट में जो चार्ज है वो डिस्प्लेसमेंट के उसमें आएगा, करंट जो है वो वेलोसिटी का एनालॉगस है, और यहाँ पर जो Q है, Q का इक्वेशन वो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होगा, ठीक है। I का इक्वेशन यहाँ पर वेलोसिटी का इक्वेशन होगा, ठीक। ये आपको याद रखना है, मतलब ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, बट नीट में इसका इस्तेमाल होता है कहीं ना कहीं, ये शॉर्टकट करने में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है आपको, और आपको पता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो वी किसके एनालॉगस है, आई के, तो और जो एम है वो किसके एनालॉगस है, एल के, तो हाफ एल आई स्क्वायर हो गया। इस तरह से आप, जैसे आप फार्मूले याद नहीं कर सकते हैं, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत ही मदद मिलेगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना, क्लियर है। नेक्स्ट आता है सीरीज़ रेजोनेंट सर्किट। तो सीरीज़ रेजोनेंट सर्किट क्या है, सीरीज़ में हमने क्या लगा रखा है, इस तरह से जो है, हमने कल बताया था कि इस तरह से हम सीरीज़ आर और यहाँ पर एल सर्किट लगा दें, ऐसे इस तरह से एल सर्किट लगा करके, और ये पोटेंशियल दे दें, रेजिस्टेंस है, तो ये जो सीरीज़ आर एल सी सर्किट है, ठीक है, इसमें रेजोनेंट कैसे आएगा, यानी हम यहाँ पर आर सी एंड एल ये हम यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है। तो इसमें रेजोनेंट कैसे आएगा, पहले सबसे इम्पीडेंस निकालेंगे, तो इम्पीडेंस यहाँ आर है, ये एक्स एल है, और ये एक्स सी है, सॉरी ये एक्स सी है और ये एक्स एल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जेड आएगा वो आर स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी, ठीक है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस वन ओवर ओमेगा एल माइनस वन ओवर ओमेगा सी होल स्क्वायर, ठीक है। अब इन रेजोनेंट कंडीशन ओमेगा एल इज इक्वल टू ओमेगा सी हो जाएगा, तो जो यानी इसका जो रेजोनेंट के कंडीशन में दोनों बराबर हो जाएंगे, तो केवल आर बचेगा,
ठीक है ना, ये इम्पीडेंस केवल आर बचेगा, ठीक। तो जो है और ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी हो गया, तो ओमेगा दोनों बराबर कर देंगे तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचेगा, अंडर रूट एल सी। तो सेम फार्मूला जैसे इससे पहले यहाँ पर हमने निकाला है, ये फार्मूला जो हमने निकाला था सेम फार्मूला आएगा, ठीक है ना। ये फार्मूला आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला जो फार्मूला है यही सेम फार्मूला यहाँ पर आएगा, ठीक है। बट उसको इक्वेट कर देंगे हम तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर लो फ्रिक्वेंसी पर क्या होगा, एक्सेल जो है वो नेग्लेक्सिबल होगा, ठीक है, और हाई फ्रिक्वेंसी पर एक्सी नेग्लेक्सिबल होगा, ठीक। तो यहाँ पर पर्टिकुलर जो एक्स है वो एक्सेल माइनस एक्सी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा रेजोनेंट के कंडीशन में, क्योंकि एक्सेल इज इक्वल टू एक्सी होगा तो रेजोनेंस के कंडीशन में ये ज़ीरो हो जाएगा, तो जेड इज इक्वल टू केवल आर बचेगा, ठीक है ना, क्लियर। अब यहाँ पर क्या है, जब एक्सेल इज इक्वल टू एक्सी कर देंगे तो एक फ्रिक्वेंसी आएगा जिसको हम रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी कहते हैं, ठीक, और उसकी वैल्यू होगी एफ इज इक्वल टू वन बाई टू पाई अंडर रूट एल सी होगा, ठीक है। अगर एफ जो है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी से कम है, बिफोर रेजोनेंस की कंडीशन होगी वो, ठीक है, तो वहाँ पर एक्सेल जो है वो एक्सी से बड़ा होगा, और अगर एफ जो है वो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा हो गया आफ्टर रेजोनेंट कंडीशन, तो आफ्टर रेजोनेंट कंडीशन में जो एक्सी है वो ज़्यादा होगा, एक्सेल कम होगा, और इस केस में जो एंगल होगा वो फाई जो होगा रेजोनेंट के केस, मतलब अगर एक बराबर है बड़ा है तो एक्सी जो है वो बड़ा हो जाएगा एक्सेल से, और अगर बराबर है तो उस केस में जो फाई है यानी फेज डिफरेंस वो क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में रेजिस्टेंस और जो एक्सेल एक्सी का इम्पीडेंस है उनके बीच में ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। यानी जो वोल्टेज है वो डायरेक्ट रेजिस्टिव वोल्टेज के बराबर होगा, ठीक। जो पावर फैक्टर है कॉस फाई वो वन हो जाएगा रेजोनेंट के कंडीशन में, पावर फैक्टर कॉस फाई वन हो जाएगा, और पावर जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी हाफ इंटू वी इंटू आई, ठीक है। सीरीज़ रेजोनेंट सर्किट को हम एक्सेप्टर सर्किट भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो इम्पीडेंस है वो मिनिमम हो जाता है, ठीक है, और मोस्ट रेडली एक्सेप्ट द करंट आउट ऑफ मेनी करंट्स हुज फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रिक्वेंसी, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम करते हैं टीवी ट्यूनिंग में, जो रिसीवर होता है और जो टीवी रिसीवर होता है उनकी ट्यूनिंग में हम जो है सिग्नल को रिसीव करने के काम में लाते हैं, ठीक है। ये फार्मूला तो हम बता ही चुके हैं, ठीक। नेक्स्ट जो है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस सर्किट, शार्पनेस मतलब कितना जो है वो करंट को मेज़र, मतलब करंट कितना वो ले सकता है या कितना डिफरेंस आ रहा है, जिसको हम क्वालिटी फैक्टर भी कहते हैं। तो क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सीरीज रेजोनेंट सर्किट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस द इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस एट रेजोनेंस टू द अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस d रेजिस्टेंस। तो q इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस l और c एंड अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस r। तो q यहाँ पर क्या आ जाएगा, q के लिए वोल्टेज xl इंटू i यानी IR, और यहाँ पर अगर वोल्टेज की बात करें हम तो यहाँ पर रेजिस्टेंस के केस में तो IR होता है, और यहाँ पर I इंटू XL, और XL की वैल्यू क्या है, ओमेगा नॉट L। तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा L ओवर R, जिसको हम रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी कहेंगे। सो क्लियर है, तो ओमेगा को हम लिख सकते हैं 1 बाई अंडर रूट एल सी। तो Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 ओवर R अंडर रूट L बाई सी, ठीक है। तो ये Q फैक्टर है, इसको हम क्वालिटी फैक्टर भी कहते हैं, क्लियर है।
समझ में आ रहा है? ठीक है, उसके बाद बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ क्या होता है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लोअर फ्रिक्वेंसी टू द हायर फ्रिक्वेंसी, सॉरी हायर फ्रिक्वेंसी माइनस लोअर फ्रिक्वेंसी। तो डेल्टा एफ इज इक्वल टू एफ टू माइनस एफ वन, ठीक है। और यहाँ पर डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन, तो ओमेगा नॉट प्लस आर ओवर टू एल माइनस ओमेगा नॉट माइनस आर ओवर टू एल इज इक्वल टू आर बाई एल, ठीक है। तो ये बैंडविड्थ होता है। बैंडविड्थ का फार्मूला आप इतना ही लिख देंगे या ये वाला फार्मूला लिख देंगे तो दोनों सही हो जाएगा, ठीक है ना। और ये आप याद रखेंगे कि सीरीज़ के केस में आर बाई एल जो है बैंडविड्थ की वैल्यू होती है, ठीक है ना, क्लियर है? ठीक, तो इसमें क्या होता है कि फुल विड्थ एंड हाफ मैक्सिमम जो है वो रेजोनेंस कर्व होता है, वो हम कर्व के बारे में हम फिर डिस्कस करेंगे फर्दर, ठीक है। थैंक यू।